फेलमैन तथा गेटिस के अनुसार मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल के दो मुख्य वर्गों में से एक वर्ग है, जो मानव जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, उनकी संस्कृति, उनके क्रियाकलापों, व्यवहार, उनके परस्पर संबंधों और भौतिक दृश्य भूमि पर प्रभाव का विश्लेषण विवरण प्रस्तुत करता है। लेखक द्वे के अनुसार मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों के संगठन व स्थानिक भिन्नता तथा उनके भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल को समय के साथ परिवर्तनशील पर्यावरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। सारांशतः मानव भूगोल में मानव के पृथ्वी तल पर स्थानिक वितरण का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान बैरोज ने सन 1922 में सर्वप्रथम अमरीकी भूगोलविदों की समिति के अध्यक्ष भाषण में स्पष्ट किया कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी विज्ञान में संपूर्ण जीव जगत एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर मानव पारिस्थितिकी में मानव एवं उसके सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव पर्यावरणीय संबंधों को महत्व दिया जाता है, जिसमें मानव समाज के प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के विकास क्रम को सम्मिलित किया जाता है। ये विकास संपूर्ण भूवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक समय के अनुसार नियमन तथा अनुकूलन द्वारा संसार को परिवर्तित करते हुए पूर्ण हुआ है। मानव पारिस्थितिकी शब्द समाजशास्त्र से भूगोल में आया, जब बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान बताया। उस समय शिकागो स्कूल के समाजशास्त्रियों द्वारा इसका अर्थ वर्तमान में भिन्न लिया गया था। इसमें पार्क, ब्रगेस, थॉमस तथा वर्थ मुख्य थे, जिन्होंने पारिस्थितिक विज्ञान से मानव समाज के विभिन्न मॉडल व सिद्धांत विकसित करने के लिए अपनाया था। बैरोज ने मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ समायोजन पर प्रकाश डालते हुए भूगोल की प्रकृति में नियमावनेशी पक्ष को अपनाया था। सन 1972 के स्टॉकहोम में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन के उपरांत भूगोल में मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग बढ़ा। मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी मानने वालों का विश्वास था कि प्रकृति में भोजन श्रृंखला के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव समूह व पादप सहित मानव भी सम्मिलित हैं। इन विचारों से लोमार्कियन कार्यों की पुष्टि हुई, जिनका मानना था कि प्रत्येक जीव संचेतन रूप में अपने परिवेश में समायोजन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रेट जेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना, डेविस की भूआकृति विज्ञान, कुमारी सैंपल, हंटिंगटन व ग्रिफिथ टेलर के पर्यावरण निश्चयवाद, हर्बर्टसन के प्रादेशिक भूगोल के चिंतन आदि के द्वारा प्रमाणित हुआ कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है।